हावड़ा के बाद हुगली में भी भड़का हिंसा। रामनवमी शोभा यात्रा पर ईंट और पथराव, दो समुदायों में हिंसक झड़प और आगजनी। खबर पश्चिम बंगाल की है। हावड़ा के बाद अब हुगली के रिसरा में भी रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रविवार को रिसरा शहर में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस बार पुरुषों के साथ साथ बड़े पैमाने पर माताएं बहनें ने शोभा यात्रा में भाग लिया था। हर तरफ राम नाम के जयकारों का गूंज सुनाई दे रहा था। पूरा शहर भगवा ध्वज से पटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। शोभा यात्रा में राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय साधारण संपादक सांसद दिलीप घोष, विधायक विमान घोष। शोभा यात्रा लगभग 1.5 किलोमीटर जाने के बाद रिसरा छाई मठ मस्जिद के निकट अचानक भगदड़ मच जाता है। दो समुदायों के लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने आगजनी होनी लगती है। झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। झड़प में बीजेपी विधायक विमान घोष भी घायल हो जाते हैं। दिलीप घोष को उनके सुरक्षा कर्मियों ने किसी भी तरह उन्हें वहां सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं। दिलीप घोष के जाने के बाद पहुंचते हैं तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और शुरू होता है जुबानी जंग। तृणमूल और बीजेपी दोनों ही ओर से एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। घायलों को देखने के लिए आज पश्चिम बंगाल के विरोधी दल नेता व बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी आते हैं। शुभेंदु घायलों से मुलाकात कर चले जाते हैं। हिंसक झड़प को लेकर दोनों ही ओर के नेताओं ने क्या क्या कहा, सुनिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन করবে, যে ধর্মের মানুষ থাকুক, যে জাতির মানুষ থাকুক, পুলিশ পদক্ষেপ নেবে। অন্তত এরা এরা যাই হোক, কাজ কোন ধর্মকে ভালোবাসে না তারা, যারা করেছে সিম্পলি দে ক্যান বি সেড টু বি এ ক্রিমিনাল। ক্রিমিনালের কোনো ধর্ম হয় না, ক্রিমিনালের কোনো জাত হয় না, অ্যান্টি সোশ্যাল ক্রিমিনাল। এবং বাইরে থেকে জব যেভাবে লোক নিয়ে এসছে, আনবিলিভেবল। এরা শ্রীরামপুরের লোক না, এরা রিষ্ণার লোক না, আমার নিজের চোখে দেখা হয়ে গেছে। এবং আপনি জানেন আমার আমার সঙ্গে আমি একা দেখিনি, এই তো প্রেসের লোকও ছিল। এ ভাই তুমি কোন চ্যানেল, তুমি সিএন চ্যানেল, তুমি বলো তুমি দেখেছো কিনা, তুমি দেখেছো কিনা, হ্যাঁ কিনা বলো। হ্যাঁ একদম একদম, ওই তো ছিল। এটা কি পুরোটা প্রি প্ল্যান ছিল বলে মনে হয়? যখন এরকম একটা ঘটনা ঘটছে নিশ্চয়ই প্রি প্ল্যান করা হয়েছিল, প্রভোক করে গেছে। দিলীপ ঘোষ যে এখানে আসবে, দিলীপ ঘোষ যে মিছিলে থাকবে, যারা মিছিলের পারমিশন নিয়েছে তারা কেন লেখেনি যে দিলীপ ঘোষ থাকবে এখানে? বিজেপি কে নেতা প্রতিপক্ষ, বিজেপি কা অধ্যক্ষ, বিজেপি কা এমএলএ ওই এরিয়া মে ঘুসনে কে লিয়ে বানা করনে কে লিয়ে রোকনে কে লিয়ে সহি জো তসবীর হ্যায় ও জনতা কে সামনে উসকো রোকনে কে লিয়ে पत्रकार को भी रोकने के लिए ये धारा 144 है। ये धारा 144 पीस मेंटेन करने के लिए नहीं है। और दूसरा तरफ टीएमसी का जो म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन है उत्तरपड़ा का और यहाँ का एमपी है, उनको 144 में वीजा जो दिया गया है कि तुम घूमो और आपने जो टूटा गया वोट बैंक उसको रिपेयर कर। देखिए रैली का सही तरीके से इजाजत था कल जब टीएमसी का प्रवक्ता ने बताया जो रैली का आप क्यों रामनवमी का रैली दशमी कर रहा है, क्यों रामनवमी का रैली हो रहा है। हाँ, मैं ट्वीट करके जो परमिशन लेटर वो सार्वजनिक रूप से ला दिया। आपको मालूम है ये सीधा सीधा गलत बात झूठा बात बोल रहा है, ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। हावड़ा में दो दिन तक इतना हादसा हुआ, इतना डैमेज किया, इतना पीटपाट किया, लोग को इंजर किया। अभी भी पंचशील अपार्टमेंट से लेकर कुछ अपार्टमेंट में हुआ लाइक कारफू का सिचुएशन है। हाई राइज से फाट से लोग उतारने का मौका भी नहीं है और घुसने भी नहीं दे रहा है। हुआ पुलिस ने दो दिन तक साइलेंस था, आपका पत्रकार लोग फोटोग्राफर लोग भी इंजोर्ड हुआ। यहाँ का एएनआई का जो लड़का था वो भी इंजोर्ड हुआ, हॉस्पिटल में एडमिशन। आपका ऊपर भी पत्थरबाजी हुआ है। ये लोग हुआ सिद्धिनाथ गुप्त को भेजा और उनको मनोज वर्मा को भेजा, भेजी ममता जी और क्लियर इंस्ट्रक्शन, तुम खामोश रहो, गुंडा की ऊपर लाठी मत चलाओ, मेरा वोट सब चला गया सागर दीघी में,
ये वोट को मुझे वापस लाना पड़ेगा, इसलिए मत मारो, वो लोग को मारने दो। ममता जी ने खुद अगले दिन हावड़ा का जो हादसा के बाद उन्होंने बताई जो बिफिटिंग रिप्लाई होगा, बिफिटिंग रिप्लाई नेक्स्ट डे फ्राइडे हुआ। ये रिसरा में भी जब ये कार्रवाई हुआ था, पुलिस पूरा अफिशियंट हमारा पुलिस था, लेकिन पुलिस का कोई रोल भी नहीं था, आंसू गैस भी नहीं छोड़ा, लाठीचार्ज भी नहीं किया, जान माल को रक्षा करने के लिए कुछ काम भी नहीं किया। आज जो तोड़ फोड़ किया, पत्थरबाजी किया, उसको छोड़ दिया। और 12 रामनवमी का कार्यकर्ता जो हिंदू संगठन से सनातन संगठन से जुड़ा हुआ है उसको हिरासत में लिया, 100 से ज्यादा घर में रेड किया और बहुत खराब तरीके से रेड किया, और औरत के ऊपर भी अत्याचार हुई है काल पुलिस का द्वारा। वहाँ भी ममता बनर्जी अपनी करीबी पुलिस अफिसर सैम सिंह को भेजा, सैम सिंह ने ऑपरेट कर रहा है किस तरीके से शाकिर अली और जाहिद हसन खान उनकी जो वोट बैंक है उसको बरकरार रखे।